हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कच्चे पपीते की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कच्चे पपीते का हलवा हम किस प्रकार से बना सकते हैं। साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा यमी होता है। कच्चे पपीते का हलवा इतना स्वादिष्ट होता है ना कि इसके आगे आपका सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, सारे हलवे जो हैं वो फेल हो जाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। कच्चा पपीता अगर आपको मिल जाता है तो आप कच्चे पपीते का हलवा जरूर बनाकर देखिए। कभी कभी क्या होता है, हम मार्केट से पका हुआ पपीता लेकर आते हैं और वो कच्चा निकल जाता है, तो आप उस केस में भी हलवा बना सकते हैं। और इसे आप व्रत में तो खा ही सकते हैं, क्योंकि जो कच्चा पपीता होता है वो फ्रूट होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा केजी कच्चा पपीता लिया है और इसे हमने छील लिया है। कच्चा पपीता आपसे साबुत नहीं छिल पा रहे हैं, काट कर छिलने में आसानी से छिल जाता है, और एक पीलर की सहायता से इसे हमने छिल लिया है। सारा पपीता छिल लेने के बाद अब इसका जो एंड पार्ट है इसे हम कट कर देते हैं। इस पपीते के बड़े बड़े पीसेस कट कर लेते हैं ताकि जब हम इसे किसें तो किसने में आसानी हो। ये देखिए, इसमें व्हाइट कलर की सीड्स हैं, इन्हें हम हटा देते हैं। इसे हम दो पार्ट में कट कर लेते हैं और एक स्पून की सहायता से इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो सीड्स हैं, उन्हें निकाल लेते हैं। इस प्रकार से सारा जो पपीता है उसका अंदर का जो पार्ट है इसे हम क्लीन कर देते हैं। सारा जो पपीता है वो क्लीन हो गया और इन्हें हमने कट कर लिया है। अब इन पपीतों को हम धो लेते हैं। ये सारा पपीते को हमने धो लिया है क्योंकि इसमें जो छिलका जब निकाला था उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए हमने इसे धोना बहुत जरूरी है। अब बारी आती है इन पपीतों को किसने की। ये देखिए, सारा पपीता हमारा कद्दूकस हो गया है। आप महीन मोटा कैसा भी कद्दूकस कर सकते हैं। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। अब चलते हैं हम आगे प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हमने गैस को ऑन करके गैस पर एक कुकर रख दिया है। जैसे ही कुकर हल्का सा गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच घी। इसमें हम डाल देते हैं पपीता जिसे हमने अभी किस कर रखा हुआ था। सारा पपीता हमने कुकर में डाल दिया है और इसे एक स्पैचुला की सहायता से ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि जो घी है सारे पपीता में कोट हो जाए। अब कुकर को बंद कीजिए, मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने तक कुक कीजिए। कुकर को दूसरी गैस पर ट्रांसफर कर देते हैं और गैस पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं। इधर कुकर में एक सीटी आ चुकी है और इधर हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, पतला पतला से कट कर लेते हैं। कढ़ाई में डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच घी। ड्राई फ्रूट्स को हमने कट कर लिया है और घी भी इधर हल्का गर्म हो गया है। कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और इन्हें एक मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें हम निकाल देते हैं प्लेट में। ड्राई फ्रूट्स निकाल लेने के बाद इसमें हम डाल देते हैं किशमिश। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात याद रखना, हमने यहाँ पर जो गैस के फ्लेम को बंद करके किशमिश डाली है, अगर आपने गरम तेल में किशमिश को डाली तो किशमिश वो फूल जाएगी, इसलिए हमें इन्हें फुलाना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करना है। किशमिश को भी हमने निकाल दिया है और वापस से गैस को ऑन कर दिया है। इसमें हम डाल देते हैं आधा लीटर दूध। फ्रेंड्स आधा लीटर दूध हमने कढ़ाई में डाल दिया है। ये मलाई, ये वही मलाई है जो हम दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर पड़ जाती है, एकदम फ्रेश मलाई है, इसे भी डाल देते हैं। हाई फ्लेम पर दूध को हम उबलने देते हैं जब तक ये दूध रिड्यूस ना हो जाए। कढ़ाई को दूसरी गैस पे ट्रांसफर कर देते हैं और वापस से हम कुकर को चेक कर लेते हैं। इधर कुकर भी ठंडा हो गया है, अब इधर हम कुकर को खोल लेते हैं। ये देखिए, जो पपीते के लच्छे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इस पे जो हल्का सा पानी दिख रहा है आपको, इसे भी हम सुखा लेते हैं। पपीते के जो लच्छे कितने नरम हो गए हैं, अगर इस प्रोसेस को हम अगर कढ़ाई में करते तो बहुत टाइम लगता। पपीते के लच्छों में जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी पूरी तरह सूख गया है। इसमें हम डाल देते चीनी एक छोटी कटोरी। यहाँ पर फ्रेंड्स मीठा जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्स कर लेते हैं। दूध को चेक कर लेते हैं, जो दूध है काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। बीच बीच में हमने इसे चलाते हुए सारे दूध को गाढ़ा कर लेना है। तो गैस चल रही है, एक गैस पर हमने दूध को रिड्यूस करने के लिए रख दिया है, दूसरे गैस पर हमने पपीता रखा हुआ है। पपीते के लच्छों में चीनी डालते ही इसमें काफ़ी पानी निकलने लगा है। अब इस पानी को भी हमें
सुखाना है। ये देखिए जो चीनी का पानी था वो भी पूरी तरीके से सूख गया है। ये देखिए इधर जो दूध था वो भी पूरा रिड्यूस हो गया है, काफी गाढ़ापन आ गया है दूध में। यहाँ पर मावा है, इससे भी हम डाल देते हैं, इससे कच्चे पपीते के हलवे में काफी अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर देते हैं। ड्राई फ्रूट थे इसे भी हम इसी स्टेज में डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप जो दूध को हमने गाढ़ा करके रखा था उस दूध में भी कच्चे पपीते का जो हमने कुकर में अभी बॉईल किया है उसे डाल सकते हैं, उससे भी मावा वाला टेस्ट आता है। अगर आपके पास मावा है तो आप उसे डाल दीजिए, उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है और काफी अच्छा लगता है। इसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। और जो पपीता है देखिए इसका जो पानी है पूरा सूख गया है चीनी का, इसे हम डाल देते कढ़ाई में और इसे मिक्स कर देते हैं मावा के साथ। देखिए अगर आप कच्चे पपीता का हलवा बनाते हैं ये थोड़ा डिफरेंट है और इसका जो स्वाद है बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला है। 5 से 6 इलायची लिए, हरी इलायची सीड्स निकाल कर हम इसका पाउडर बना लेते हैं। इलायची का पाउडर मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए काफी अच्छी खुशबू आ रही है, हलवा भी काफी अच्छा दिख रहा है। अब एंड में इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी ताकि जो हलवा का थोड़ी साइन उसमें आ जाए और टेस्ट में भी काफी अच्छा लगे। वैसे तो हमने दूध और मलाई डाली उसमें काफी अच्छा घी रहता है, लेकिन ऊपर से हमने थोड़ा घी इसलिए डाला है तो थोड़ी साइन आ जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमने कच्चे पपीता हलवा आपको बताया है ये वाकई में खाने में काफी टेस्टी लगता है, हेल्दी तो होता ही है, आप तो सभी जानते हैं पपीता काफी हेल्दी होता है, तो कच्चा पपीता उससे भी ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। देखते रहिए मेरे चैनल रॉयल इंडियन किचन को। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।